हेलो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज सडनली हमारा एक प्लान बना कि हम डोंगरगढ़ के माता का मंदिर के दर्शन करें। तो ये अनप्लान्ड था, सडनली बना। और उस बीच में कुछ और स्पॉट्स भी आते हैं, जैसे रावणवाड़ी एक करके जगह है, तो हो सके तो हम ये स्पॉट्स भी कवर करेंगे। तो चलो चलते हैं आगे की वीडियो में और आपको दिखाते हैं सब जगह। ये अभी हम वैन गंगा का ब्रिज जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, तो चलिए अभी ढूंढते हैं रावणवाड़ी का रास्ता। यहाँ से कुछ बता रहा है 1 किलोमीटर राइट। अभी ये जो स्क्वेयर है, हमने जैसे ही पार की ब्रिज वैनगंगा का, उसके बाद ये एक राइट, हमारे जो गूगल देवी है वो राइट लेने को बोल रही है। तो ये पहला ही स्क्वेयर जो है जो आएगा ब्रिज के बाद, और यही जाता है रावणवाड़ी के लिए। रावणवाड़ी के रास्ते में पहुंच चुके, बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं क्योंकि रास्ते बहुत ही नैरो थे, एक ही कार जा सकती थी। सामने आप नज़ारा देखिए, जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। यहाँ पे शायद टिकट लेना होगा, देख लेते हैं क्या है। ये हम पहुंच गए रावणवाड़ी में, एंट्रेंस गेट है जहाँ पे हमें 50 रुपये देना पड़ा कार का। और आप देख सकते हैं मेरे बाजू में, अगर कैमरा अगर कैप्चर कर रहा होगा, तो ये बहुत बड़ा तालाब है। ये हम लोग जा रहे हैं, सीमेंटेड रोड बनाए हुए हैं यहाँ पे, बहुत शानदार है। मैंने सुना था कुछ लोगों से कि ये जगह विजिट करने लायक है, इसलिए मैंने प्लान किया कि आज मैं इस स्पॉट को कवर करूँगा। ओहो, ये तो यानी कि जैसा हमारा खिंडसी है उस टाइप का ही दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत सुंदर है। ओहो गाइस, ये देखने लायक जगह है। अभी मैं कार अंदर ले रहा हूँ, यहाँ से लिया हमने कार को अंदर, और यहाँ पे बोटिंग टिकट भी है। हम अपनी कार पहले अच्छे से लगा देते हैं एक जगह पे। तो गाइस, ये है रावणवाड़ी, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरे झाड़ ही झाड़ है, पूरा जंगल का फीलिंग आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा हिली एरिया पे है, और यहाँ पे बोटिंग के कुछ चार्जेस लिखे हैं। यहाँ बोटिंग होती है एक्चुअल में, तो 40 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर कोई 10 साल के बच्चा है और या उसके नीचे, तो उसका 20 रुपीज़ है। और ये देखिए बहुत ही शानदार दिख रहा है। और ये तालाब, बहुत बड़ा लेक है ये रावणवाड़ी का। यहाँ पे बोटिंग करने में भी बहुत मज़ा आएगा, हम करेंगे यहाँ बोटिंग। यहाँ स्पीड बोट या मोटर बोट नहीं लग रहा है, बहुत बड़े एरिया में है ये। और वो दूर पहाड़ इतने शानदार दिख रहे हैं ना, एक्चुअल में ये स्पॉट पिकनिक के लिए बेहतरीन है। आप यहाँ पे आके अपना पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्राउड नहीं दिख रहा है, आज मैं सैटरडे वाले दिन आया हूँ और यहाँ पे मुझे बिल्कुल क्राउड नहीं दिख रहा। और यहाँ पे मैंने एक बोर्ड देखा है जहाँ पे एनिमल्स का साइन दिया है, तो हो सकता ये फॉरेस्ट एरिया तो है ही, तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी स्पॉट हो सकते हैं, उनकी साइटनिंग हो सकती है। मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, यहाँ पे तो अभी हम बोटिंग करने वाले हैं, अभी जस्ट 5 मिनट में अभी कुछ लोग आए हैं बोटिंग करके, और अभी हमारा चांस है। तो आपको बोटिंग करते हुए दिखाते हैं यहाँ के व्यूज। तो अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने, और बोटिंग पे भी बैठेंगे हम। ये बोट चल रही है और अभी हम जा रहे हैं चप्पू वाली नाव में जा रहे हैं। अभी हम किनारे से जा रहे हैं लेक के बीच में, और ये देखिए आप पूरा व्यू यहाँ से। तुम कितने पानी में जाएंगे, देखिए
आपका गुलाल बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ पक्षी बैठे हैं, तालाब के बीच में, और यहाँ पे उन्होंने कुछ बॉटल्स से बाउंड्री बनाई है कि उसके बाहर थोड़ा सा खतरा हो सकता है, तो उसके अंदर में ही बॉटल किया जाए। रावण वाड़ी नाम है इस जगह का, पीछे आप पहाड़ देखिए बहुत शानदार दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो बोटिंग के जो ओनर है, जो बोटिंग कराते हैं यहाँ पे, जिन्होंने ये ओनरशिप ली है, उनसे मैंने पूछा कि ये जगह तो अच्छी है, स्पॉट अच्छा है विजिटर्स के लिए घूमने लायक, बट उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो क्राउड है ना वो थोड़ा सा 50% अच्छा आता है, 50% थोड़ा सा आप समझ सकते हैं उस टाइप का आता है, तो टूरिस्ट को कैसा चाहिए, कोई भी जगह पर जाते हैं वहाँ सेफ होना चाहिए उनके लिए, तो यहाँ सेफ्टी नहीं है उन्होंने कहा, तो अभी उसके लिए और टाइम लगेगा। ये जगह 8 ईयर्स पहले सर्च हुई है और यहाँ बोटिंग 4 साल पहले से स्टार्ट कर दी गई है, और ये एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, और मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों में यहाँ और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और टूरिस्ट आने चालू हो जाएंगे, जैसे जैसे ये जगह एक्सप्लोर हो रही है सब लोग कर रहे हैं एक एक करके, तो ज़्यादातर अभी यहाँ भंडारा के आसपास के लोगों को ही पता है जगह, नागपुर के बहुत कम लोगों को पता है, तो जैसे ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी जगह तो यहाँ पे और टूरिस्ट आना चालू हो जाएंगे। हम जब आए थे तब एक ही कार खड़ी थी वहाँ पे, और अभी और लोग आ रहे हैं, यानी कि ये सैटरडे संडे थोड़ा सा हम लोग थोड़ा अर्ली आ गए 11 AM, तो लगता है कि लोग थोड़ा सा अपने टाइम से आते हैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करने। और यहाँ पे वहाँ से एंट्री है, एंट्रेंस है, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेड़ है, तो कुछ लोग वहीं चले जाते हैं अपनी कार लेके और वहीं पर ही अपना टेंट या दरी बिछा के वहाँ पे अपना पूरा डे स्पेंड कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्पॉट है पूरा डे स्पेंड करने के लिए। अभी हम अपने किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं, जमीन चल रही है लग रहा है, और सही में बहुत खूबसूरत जगह है, ये बहुत ही अच्छी जगह है। आज हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो हम यहाँ पे कम से कम अपने 4 आवर्स तो स्पेंड करके जाते ही थे, सही में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जो पीछे के पहाड़ दिख रहे हैं मुझे मैंड्रीम का याद आ गया, गोवा का जो मैंड्रीम का है ना, वहाँ भी ऐसे पहाड़ थे और फिर बीच में हम लोग गए थे सामने में। ये जगह किसी मूवी शूटिंग के लिए भी बेहतरीन होगी, क्योंकि आप देखिए पूरे पहाड़ जो है वो पूरे लेक के आजू बाजू में है, और झाड़ भी बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये किसी की नज़र में आएगा अगर तो वो यहाँ पे ज़रूर शूटिंग करेंगे। तो हम अपने किनारे पे आ चुके हैं और अभी हम उतरेंगे और वापस जाएंगे अपने जगह पे वापस। रावणवाड़ी, तो रावणवाड़ी के पास में एक मंदिर भी है, अभी हम उस मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ से आपको मंदिर। तो ये है वो मंदिर, ये है अंबा माता देवस्थान मंदिर। तो अभी हम अंदर चलते हैं और दर्शन देते हैं अंबा माता देवस्थान मंदिर के, जो कि रावणवाड़ी में आता है। जय अंबा माता मंदिर। जय माता दी।
तो ये है यहाँ पे माता का मंदिर जो हमने अभी आपको दर्शन कराए। तो अभी हम यहाँ पे जो मंदिर था अम्बा माता का, वहाँ हमने दर्शन किए। रावणवाड़ी लेक के पास में ही है, बहुत अच्छा मंदिर है। अभी हम यहाँ से हम ले रहे हैं वापस लेक के तरफ, और फिर यही रास्ता सीधा आपको भंडारा रोड पे टच कर देता है, जो कि जो मेन रोड है, जो हाईवे है, वहाँ से कनेक्ट करता है, और वहीं से आगे आप साकुली निकल सकते हैं। अभी हम जो रास्तों से जा रहे हैं वो पूरा जंगल एरिया है, और यहाँ से कुछ किलोमीटर के बाद में हम भंडारा साकुली हाईवे को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी फॉरेस्ट का गेट है जो कि आपको एंट्री के लिए टिकट मांगता है। जो यहाँ खुर्सी पार जगह है, जो गांव है, ऐसी एक एरिया भिलाई में भी है जहाँ पे मेरी वाइफ के जो मामा लोग हैं, जितने भी मामा हैं चार, उन सब का घर है वहाँ पे। तो अभी हमको हाईवे मिल गया। रावणवाड़ी से आप सीधा सीधा आएंगे तो आपको 5 किलोमीटर लगेगा और आपको भंडारा साकुली का हाईवे मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से हम पहुँच गए, कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैप बराबर ले गया और सीधा सीधा रास्ता था, कहीं मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बहुत अच्छा टूर हुआ हमारा। अब हम आगे चलते हैं डोंगरगढ़ की तरफ, और हम आपको वहाँ पे भी माता के दर्शन कराते हैं।